को कल मिली बड़ी राहत। हम ये कह सकते हैं कि शाहरुख खान और गौरी खान की जो सारी मन्नत ही थी वो हो गई है पूरी, क्योंकि हाई कोर्ट ने कल आर्यन खान को दे दी है बेल कई सारी शर्तों के साथ। जो है हाई कोर्ट ने पूरी जो है बेल ग्रांट की है। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि आर्यन खान को 2 अक्टूबर को एक क्रूज से पकड़ा गया था, जहां वो एक ड्रग्स केस में जो है उनके पास और उनके साथियों के पास से ड्रग्स बरामद हुए थे, जिसके बाद उन्हें 3 अक्टूबर से जो है जेल में रखा गया था, जिसके बाद 26 दिनों के लंबे वक्त के बाद आज जो है आर्यन खान जो है जेल से किसी भी वक्त रिहा हो सकते हैं। लगातार 3 दिनों तक हाई कोर्ट में जो है ये सुनवाई चली है, जिसके बाद कल जो है आर्यन खान को जो है राहत की सांस मिली है, जिसके बाद जैसे ही जो बेल की बात है बाहर आई, वैसे ही शाहरुख खान के जितने भी फैंस हैं वो मन्नत के बाहर उन्होंने कई सारे पटाखे फोड़े और उनके अंदर भी एक खुशी की लहर थी। और साथ ही साथ बड़े बड़े पोस्टर्स भी नजर आए जिसमें उन्होंने लिखा था कि प्रिंस खान वेलकम बैक। तो मतलब ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि आर्यन खान के जो फैंस हैं, शाहरुख खान के जो फैंस हैं, वो कितने ज़्यादा खुश हैं उनकी इस रिहाई से। साथ ही साथ बेल मिलने के बाद ही शाहरुख खान ने पूरी लीगल टीम के साथ जो है एक तस्वीर दी, जिसमें सारे लोग जो है काफ़ी ज़्यादा खुश नजर आए, क्योंकि लंबे वक्त से शाहरुख खान ये कोशिश कर रहे थे कि वो जल्द से जल्द आर्यन खान की जो है वो बेल करवा दें। लंबे वक्त तक ये पूरी सुनवाई चली और 26 दिनों के बाद जो है आर्यन खान को जो है वो बेल मिली है। लगातार 22 दिन तक जो है आर्यन खान ऑथोरियल जेल में जो है वो बंद थे। देखिए हमारे साथ विवेक जो है वो लगातार देखिए हमारे साथ आशीष जो है आथरूर जेल से जुड़े हुए हैं। आशीष, आपसे जानना चाहेंगे कल रिहाई मतलब बेल तो मिल गई है, ये जो पूरी कॉपी वॉपी है वो जेल तक पहुंचने में कितना वक्त लग सकता है और आर्यन खान को जो है वो जेल से कब तक रिहा किया जाएगा? हाई कोर्ट के बेल के ऑर्डर की कॉपी या फिर उसका ऑपरेटिव पार्ट, ये दोनों ही पार्ट उस हिस्से को लेकर, ऑपरेटिव पार्ट को या ऑर्डर की कॉपी को लेकर सीधे एनडीपीएस कोर्ट में जो है इसे सबमिट करना होता है। एनडीपीएस कोर्ट में जो बॉन्ड भराना होगा, पासपोर्ट सबमिट करने होंगे, वो प्रक्रिया पूरी करने के बाद आखिरकार एक रिलीज ऑर्डर इश्यू होता है और वो रिलीज ऑर्डर यहाँ पर ये जो जामीन पत्र पेढ़ी आपको दिखाई पड़ रही है इसमें सीधे पहुंचता है। यहाँ पर देखें साफ तौर पर दिखाई पड़ेगा, सुबह 5:30 बजे का वक्त है, 10:30 बजे का वक्त है, 3:30 बजे का वक्त है और 5 बजे का वक्त है, यानी ये 4 वक्त पे ये पेटी खोली जाती है और इस पेटी में ही जो है उस रिलीज ऑर्डर को डालना पड़ेगा। उस रिलीज ऑर्डर को डालने के बाद जो 5:30 बजे का वक्त है वो पूरा हो चुका है, 10:30, 3:30 और 5, ये इन 3 वक्तों में कभी भी जो है जब पेटी खुलेगी तो ऐसे में उस रिलीज ऑर्डर को मिलने के बाद जो है रिहा करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जो पूरी तरह से कहा जाए कि प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाता है। लेकिन सबसे अहम बात ये भी है कि एनडीपीएस कोर्ट में जो जब ये ऑर्डर पहुंचे तो वो चाहे तो डायरेक्टली, क्योंकि कोविड के नॉर्म्स जब बदले थे तो उसमें डायरेक्टली रिलीज ऑर्डर को कोर्ट एनडीपीएस कोर्ट। आशीष, हम आपके पास वापस लौटते हैं, आप ऐसे ही हमारे साथ ऑथोरिटी जेल से जो है लगातार जो है बने रहिए। देखिए कल जैसे ही जो है हाई कोर्ट ने आर्यन खान को बेल दी, तो वैसे ही ऑथोरिटी जेल के मुताबिक वहाँ के कुछ लोगों ने न्यूज़ 18 को ये जानकारी दी कि तकरीबन 6 बजे जब आर्यन खान को जो है खाना देने वहाँ के लोग पहुँचे और जब उन्होंने आर्यन खान को ये खबर दी कि उन्हें जो है बेल मिल गई है, तो आर्यन खान के मुंह पे एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। साथ ही साथ आर्यन खान के लिए ये एक बड़ी राहत है, क्योंकि पिछले 26 दिनों से जो है वो इस पूरे मामले में गिरफ्तार थे। साथ ही साथ 22 दिन का जो है लंबा वक्त हो गया है कि वो ऑथोरिटी जेल में जो है बंद है, जिसके बाद जैसे ही उन्हें अपने बेल की बात सुनाई दी तो उनके मुंह पे एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। साथ ही साथ जो शाहरुख खान है उनके भी फैंस काफ़ी ज़्यादा खुश नजर आए, मन्नत के बाहर कई सारे जो हैं फटाके फूटते नजर आए, उनके फैंस भी काफ़ी ज़्यादा खुश नजर आए। देखिए हमारे साथ जो विवेक है वो मन्नत से लगातार जो है वो जुड़े हुए हैं, तो विवेक हम आपसे जानना चाहेंगे कि मन्नत पे अभी क्या कुछ हलचल है, क्योंकि कल रात जो है काफ़ी सारे फैंस मन्नत के बाहर आए थे और काफ़ी खुशी की लहर उनके अंदर दिखाई दे रही। देखिए श्रेया, ये काफ़ी ये शाहरुख खान के परिवार के लिए काफ़ी राहत भरी बात है कि 22 दिन तक जेल में रहने के बाद फाइनली आर्यन खान को बेल मिली है। जो प्रोसेस के हिसाब से आशीष सिंह बता रहे थे कि जो बेल ऑर्डर है वो एनडीपीएस कोर्ट पहुंचने में लगभग 2 से 3 का समय लग सकता है और 4 बजे तक आर्यन खान आथरवर जेल से बाहर आ सकते हैं। यहाँ देखिए मन्नत पे अभी जो इनके जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उन्होंने सबको बाहर से अभी हटा दिया है, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा और जिस तरीके से आर्यन खान जैसे ही मुंबई के आथर रोड जेल से बाहर निकलेंगे तो इस जगह पर, जिस जगह हम मौजूद हैं, इस जगह पर जो नज़ारा होगा बिल्कुल अलग होगा
और क्योंकि जिस तरीके से फैंस कल यहाँ पे इकट्ठा हो गए थे तो मुंबई पुलिस को काफ़ी जदोजहद करनी पड़ी थी, लोगों को हटाने की कोशिश करनी पड़ी थी। इसलिए मुंबई पुलिस की भी पूरी कोशिश रहेगी कि बेल मिलने के बाद जैसे ही आर्यन खान अपनी आठों जेल से बाहर निकलेंगे तो लोग यहाँ पे इकट्ठा ना हो, भीड़ ज़्यादा यहाँ पे इकट्ठा ना हो, इसलिए कोशिश रहेगी लोग यहाँ पे ज़्यादा ना आए। लेकिन फिलहाल ये जो जानकारी मिल रही है कि शाहरुख खान और गौरी खान और उनका पूरा परिवार इस समय मन्नत में, हो सकता है कि शाहरुख खान या गौरी खान दोनों में से कोई अपनी लीगल टीम के साथ मुंबई के आठों रोड जेल पहुंचे और अपने बेटे को वहां पे लेने पहुंचे। आपके पास वापस लौटेंगे, आप ऐसे ही हमारे साथ मन्नत से जुड़े रहिए। हमारे सहयोगी आनंद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, काफी लंबे वक्त के बाद आर्यन को जो है बेल मिली है, आपको क्या कुछ लगता है कि एनसीबी की तरफ से क्या कुछ चूक हो गई पूरी सुनवाई के दौरान? हमारी बात हुई थी जब आर्यन खान और जो बाकी आरोपी है उन्हें जमानत दी गई, उन्होंने कहा है कि जो ऑर्डर कॉपी है वो जैसे ही हमारे पास आएगी उसके बाद उस पर लीगल ओपिनियन लिया जाएगा। जो डीजी एनसीबी है उन्हें वो ऑर्डर की कॉपी भेजी जाएगी और उसके बाद आगे किस तरह का स्टैंड एनसीबी का होगा वो निर्भर करता है। क्योंकि देखिए, पहले भी रिया चक्रवर्ती का जो मामला था, जब रिया चक्रवर्ती को जमानत दी गई थी तो सुप्रीम कोर्ट तक एनसीबी चली गई थी और सुप्रीम कोर्ट में अभी वो मामला लंबित है कि जो रिया चक्रवर्ती, उन्हें जिस ग्राउंड पे जमानत दी गई है वो उनकी जमानत को खारिज करना चाहिए, उनकी जमानत रद्द होना चाहिए। तो ये एक लीगल प्रोसीजर होती है कोई भी एजेंसी के लिए कि जो उनके आरोपी होती है वो कभी नहीं चाहते हैं कि उन्हें जमानत मिले और वो लगातार एक कोर्ट में दलीलें देते हैं कि आरोपी सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं या गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। तो ये एक लीगल प्रक्रिया है और उसमें देखना होगा जो ऑर्डर की कॉपी जिस तरह से अपलोड होगी कोर्ट की वेबसाइट पर, उसके बाद एनसीबी का इसमें क्या स्टैंड होता है। लेकिन आज का दिन एनसीबी की विजिलेंस टीम के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है श्रेया, क्योंकि जो सैम डिसूजा है तथाकथित, जिसका नाम हैनिक वापने ही बताया जा रहा है, वो आज एनसीबी की विजिलेंस टीम के सामने पेश होगा। और ये किरदार इसलिए सबसे ज्यादा अहम है क्योंकि किरण गोसावी और जो शाहरुख खान की मैनेजर है पूजा, इन दोनों के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी है। जो आरोप लगे थे 25 करोड़ के डील के, वो इसी सैम डिसूजा के नाम पे लगे थे कि ये डील करवाएगा। इस शख्स ने पालघर पुलिस स्टेशन में जो प्रभाकर साहिल है उसके खिलाफ एक प्राथमिकी भी दर्ज कराई है कि इसके फोटो और इसके नाम का गलत इस्तेमाल किया गया है। इस शख्स ने दावा किया कि मेरा असली नाम जो है वो हैनिक वापना है। तो देखना होगा कि जब ये सैम डिसूजा तथाकथित यहाँ पर पहुंचता है तो उससे किस, ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है। स्पेशल कोर्ट ने एक दिन पहले ही दो कथित जो मुलजिम है, जिन पर इल्जाम है, उन्हें जमानत दी। कल तीन लोगों की जमानत हो गई और हमें लगता है जमानत तो जिन धाराओं को लेके केस बनाया गया था उसे किला कोर्ट में ही जमानत दे देनी चाहिए थी, लेकिन एनसीबी अलग अलग दलीलें हर बार पेश करने का काम करती है, केस को उलझाने का काम करती है, झूठी बातें करती है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जेल की सलाखों के पीछे कैसे रहें, ये इनका पहली बार नहीं, हमेशा का प्रयास रहा है, खास करके वानखेड़े के आने के बाद। हमें लगता है बेल मिली है, लोग अगर ढंग से चीज़ों को करेंगे तो ये मामला ही पूरी तरह से निरस्त हो सकता है। हाईकोर्ट में अगर लोग जाएंगे तो हमें लगता है लोग जाएंगे, लेकिन जिस तरह से इस एक महीने के भीतर लगभग जो चीज़ें बदल रही हैं, हर दिन नई नई चीज़ें, हमें लगता है वानखेड़े साहब ने सारा हथकंडा अपना लिया। पहले लोगों को कहने लगे कि मेरे परिवार के लोगों को इसमें घसीटा जा रहा है, मेरी मरी हुई माँ को घसीटा जा रहा है, मैंने कभी भी उनकी माताश्री, उनका ना नाम लिया, ना कभी सार्वजनिक रूप से उन पर कोई उंगली उठाई। मैंने जो बर्थ सर्टिफिकेट डाला था उसमें दाऊद वानखेड़े उनके पिताजी का नाम है, इतना ही मैंने कहा था। मैंने उनकी बहन को लेके इसलिए सवाल खड़े किए थे क्योंकि बहुत सारा फ्लेचर पटेल के लेडी डाउन कहने के बाद बहुत सारी चीज़ें सामने आई। उनकी पत्नी के खिलाफ आज तक जो पहली पत्नी है उसकी तस्वीर हमने डाली, लोगों ने सवाल पूछा कि ये तस्वीर क्यों डाली है, कहीं से मुझे 2 बजे रात में वो तस्वीर भेजी गई और उसमें मैसेज आया कि जिसकी तस्वीर है उसकी इच्छा है कि ये तस्वीर आप सार्वजनिक करें, इसलिए मैंने तस्वीर डाली। लेकिन उनकी जो
अभी पत्नी हैं उनके विषय में ना मैंने कभी उनका नाम लिया या उनके बारे में कोई टिप्पणी मैंने नहीं की। हमें लगता है कि लड़ाई ये किसी के परिवार से नहीं, किसी के धर्म को लेके नहीं, मेरी लड़ाई सीधी है जो नाइंसाफी है उसके खिलाफ है। आज भी मुंबई के जेलों में 100 से अधिक लोग बेगुनाह ये बंद हैं जिन्हें नाजायज़ तरीके से फंसाया गया। अब स्पेशल 26 वाला एक खत हमने डीजी एनसीबी को लिखा था। पहले ये कहा गया कि हम इसकी जांच करेंगे, दखल लेंगे। फिर ये खबरें आ गई कि जिस अधिकारी ने ये जानकारी दी है उसने अपना नाम नहीं कहा है। हाँ, हमें जानकारी है, हम राजनीति में हैं, मंत्री कई बार रह चुके हैं, कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का एक आदेश है कि अगर कोई अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करता है तो ऐसे कंप्लेंट्स का कोई दखल लेने की ज़रूरत नहीं। हमें लगता है कि ये बहुत गंभीर विषय है। जिस तरह से 26 मामलों का जिक्र हुआ है, उस 26 मामलों में आप जांच करें हम मांग करते हैं, क्योंकि जो 22 नंबर पे एक मामला उस खत में लिखा था जिसमें एक नाइजीरियन को बेगुनाह तरीके से खारगर में फंसाया गया और उसमें जो विटनेस है उस विटनेस कामड़े ने कई मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा और सारी घटना बताई कि मेरे ही मुखबिरी पे नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के लोगों ने छापेमारी की थी, लेकिन जो नाइजीरियन ड्रग पेडलर था वो भाग गया। उसके बाद उससे कहा गया कि यहाँ नाइजीरियन लोग कहाँ रहते हैं, सभी नाइजीरिया के लोग इस देश में ड्रग्स का कारोबार करते हैं, ये किसी की समझ होगी तो गलत है। गरीब देश है, कुछ ड्रग बेचते होंगे, उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन नाइजीरिया के नागरिक बड़े पैमाने पे भारत में जो कपड़े हैं, जो रेडीमेड गारमेंट्स हैं, उसको यहाँ से खरीद के अपने देश में भेज के उसका भी कारोबार बड़े पैमाने पे करते हैं। हर घर में एक उनका किचन है, जैसा कि कामड़े ने कहा, ये सब लोग वहाँ पे गए, वहाँ डीवीआर था, उस डीवीआर को तोड़ दिया, वहाँ से एक बच्चा और एक नाइजीरियन को साथ में ले आए, जिसकी उम्र कम थी उसे छोड़ दिया गया, और उस नाइजीरियन को जाली केस में, फर्जी केस में फर्जीवाड़ा करके जेल की सलाखों के पीछे रखा गया है। और उसी जो उनका पंच है, विटनेस है, उसने कहा है कि ये मामला पूरी तरह से फर्जी है और उससे ब्लैंक पेपर पे साइन लेने का काम एनसीबी के अधिकारियों ने कहा और उससे ब्लैंक पेपर पे सिग्नेचर लिए गए। आज मैंने एक खत लिखा है फिर दोबारा डीजी एनसीबी को, मैं अभी आप लोगों को दूंगा और ट्विटर पे भी उसे रिलीज़ कर दूंगा। मैंने उसी मामले का हवाला दिया है कि आप सीवीसी की गाइडलाइन के तहत ये 26 मामलों को बंद ना करें, 26 मामलों की जांच कराएं। आपकी जिम्मेदारी है कि आप गुनहगारों को सजा दें, पकड़ें, लेकिन बेगुनाह अगर कोई जेल के पीछे सैकड़ों की तादाद में है तो उसकी जांच होनी चाहिए। खत के जरिए आज दोबारा मैं मांग करने वाला हूं कि इस विषय की जांच हो और जो बेगुनाह हैं उनके न्याय मिले, और जिन लोगों ने फर्जीवाड़ा करके बेगुनाहों को जेल में डाला है उन्हें भी दंडित किया जाए। ये हम आज खत के जरिए मांग कर रहे हैं, खत हम आपको देंगे। दूसरी एक बात मैंने कही थी कि दाढ़ी वाला कौन है, वो दाढ़ी वाला है काशिफ खान, फैशन टीवी का इंडिया हेड है, देश भर में फैशन शो कराता है, उस फैशन शो में धड़ल्ले से ड्रग बेची जाती है, इस्तेमाल की जाती है,
बड़े पैमाने पे सेक्स रैकेट चलाने का काम करता है और उस दिन के जो आयोजन थे उसमें एक आयोजन उसकी तरफ से भी काशिफ खान की तरफ से भी किया गया था। उसने सारे इनविटेशन सोशल मीडिया पे डाले थे और उस दिन वो व्यक्ति क्रूज पर संडे के दिन 6:23 का एक वीडियो जो उन्हीं के साइड से मैंने निकाला है अपनी माशूका के साथ डांस करता हुआ नजर आ रहा है। मैंने उस दिन सवाल पूछा था, वानखेड़े साहब ये दाढ़ी वाला कौन है, इस दाढ़ी वाले को आपने क्यों नहीं पूछा, इसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। ये दाढ़ी वाला फैशन के नाम पे देश दुनिया में पोर्नोग्राफी का धंधा करता है, ड्रग का धंधा करता है, सेक्स रैकेट चलाता है और समीर वानखेड़े जी के उनसे अच्छे संबंध हैं। एक अधिकारी ने मुझे कहा कि कई बार हमने इनके ऊपर छापेमारी करने की कोशिश की लेकिन समीर वानखेड़े ने काशिफ खान पर कार्रवाई करने से लगातार हमें रोकने का काम किया। 3 दिन पहले मैंने सवाल उठाए थे, ईमानदार अफसर काशिफ खान को क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहा है, क्या उसकी गिरफ्तारी से इनके राज खुलने वाले हैं। हमें लगता है इतना दलदल है इसमें कि जितनी खोज की जा रही है उतने सारे मामले सामने आते जा रहे हैं। आज दाढ़ी वाले की बात थी हमने की और कल से मैं देख रहा हूँ कि पहले तो 4 दिन तक टेलीविज़न पर मुझे धमकी दी गई वानखेड़े साहब के परिवार की तरफ से कि हम इन्हें कोर्ट में घसीटेंगे। मैंने कहा कि बिना पैसे वाला केस कैसे लड़ा जाता है, 499 और 500 में डिफेमेशन का मामला दर्ज करके आप मुझ पर मुकदमा दर्ज कर दीजिए, मैं जमानत लेके अपना केस स्वयं लड़ूंगा। लेकिन अब कहा जा रहा है कि नवाब मलिक न्यायालय में जाएं। न्यायालय में तो वानखेड़े साहब गए, बड़ी अचंभव की बात है कि परसों एक याचिका हाईकोर्ट में दर्ज की गई और उसमें मांग की गई कि नवाब मलिक को सार्वजनिक रूप से मीडिया से बात करने से उन पर रोक लगाई जाए, उनको ट्विटर पे कुछ लिखने से रोका जाए। न्यायालय ने हाई कोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस साहब ने उस पर आदेश देते हुए कहा कि इसमें कोई अर्जेंसी नहीं है, हम छुट्टी के बाद रेगुलर इसको देखेंगे। क्या सोचता है ये अधिकारी, क्या इस देश में नाजायज़ लोगों को जेल में डाल देगा, क्या यह देश के नागरिकों का जो मौलिक अधिकार है फंडामेंटल राइट, राइट टू स्पीक, वो भी ये छीन सकता है। हमें लगता है किसी को बोलने से रोकना आज़ादी ख़त्म करना है, किसी को लिखने से रोकना आज़ादी ख़त्म करना है। आज़ाद भारत में किसी को बोलने से रोका नहीं जा सकता। अगर कोई व्यक्ति गलत बात करता है, किसी के अधिकारों का हनन करता है, किसी की बदनामी करने का काम करता है तो उसके लिए अलग अलग कानून है, उस पर मुकदमे चलाए जा सकते हैं और उस हथियार का इस्तेमाल होना चाहिए। कल तक जो अधिकारी ये लिख रहा था कि मुझे मुंबई पुलिस प्रोटेक्शन देने का काम करे, कल हाईकोर्ट में जाकर मुंबई पुलिस पर अविश्वास जताने का काम किया जा रहा है। क्या वजह है कि 8 दिन के भीतर जो पुलिस आपकी रक्षा करे आप गुहार लगा रहे थे, अब उसी पुलिस से आपका विश्वास हट गया। हमें लगता है बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे उन्हें डर लगने लगा है। कल उनके परिवार के लोग मुख्यमंत्री महोदय को उन्होंने एक पत्र लिखा है कि हम मराठी हैं, हमें मराठी होने के नाते आप सहायता करें, हमारी मदद करें। नवाब मलिक का परिवार भी 70 सालों से इस शहर में है। 59 का मेरा जन्म है, महाराष्ट्र के निर्मिति के पहले से परिवार तो ठीक है, नवाब मलिक भी इसी राज्य का एक नागरिक है, तो क्या नवाब मलिक महाराष्ट्र का नहीं, नवाब मलिक मराठी नहीं।
लेकिन जिस तरह से कल पूरी भारतीय जनता पार्टी इनके साथ खड़ी हो गई, एक हमारे सुमैया साहब हैं उनके घर पे पहुंच गए लोग, उनके साथ फोटो वायरल हो गई। जो मेरी शंका थी कि जो जिन है भूत है इसकी जान इसी तोते में है और तोता पिंजरे में कैद होने वाला है, इसलिए पूरी जिन जो राक्षसी सोच के लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, कहीं ना कहीं जिन घबराने लगा है कि कहीं तोता पिंजरे में चला गया तो और बहुत सारे राज खुलेंगे क्या। और कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र के लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है। मैंने पहले दिन से ही कहा था कि महाराष्ट्र की जनता को, महाराष्ट्र की सरकार को बदनाम करने का एक षड्यंत्र वानखेड़े के माध्यम से हो रहा है। एक केस रिया चक्रवर्ती से शुरू होकर एक केस वानखेड़े ने दर्ज किया है जिसमें फिल्म वालों की परेड लगाई गई। एक साल से अधिक हो गया, एक भी गिरफ्तारी उसमें नहीं है। केस एक साल से खुला है। अगर किसी केस में कोई गड़बड़ी होती है तो गिरफ्तारियां होनी चाहिए। उसी केस के जरिए उगाही का धंधा चल रहा है। हम ये कहना चाहते हैं साथियों कि साजिश हो रही है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। गिरफ्तार कर लिया।